सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों के एक से काफ़ी शानदार मुर्रा पशुधन दिखाने का जो प्रयास हो रहा, उसी प्रयास को बढ़ाते हुए आज की जो हमारी कवरेज है, आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी। जैसे कि आप जो फ्रेम देख के समझ भी गए होंगे, तो जिया डेयरी फार्म से आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी। और बताना चाहूँगा जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो डिमांड, और उसी डिमांड को देखते हुए आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी। बाकड़ी बैसे चेक पास आपको देखने को मिलेगी, बात करेंगे दूध वाली भी आपको देखने को मिलेगी, और बात करेंगे जी बिल्कुल ब्यात के नज़दीक जाता हुआ जो पशुधन है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और बात करेंगे जी जिया डेयरी फार्म शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं, चाहे मुर्रा हीफर हो या फिर हम बात करें बाकड़ी बैसे हो, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप जो एड्रेस है वो देख पा रहे हैं, गांव अहमदपुर पड़तल, जिला लगता है जी इनका रेवाड़ी, और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आगे की जो डिटेल्स है डॉक्टर मोनू से लेंगे, तो मिलवाना चाहेंगे भाई साहब से, और जो डिटेल्स है वो डॉक्टर मोनू से लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहिल, सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाइयों को नमस्कार जी। नमस्कार जी, तो आज दो दिखाओगे भाई साहब? हाँ, दो दिखाएंगे भाई। तो शुरुआत करते हैं, जो पहले नंबर पे जो पशुधन खड़ा है, क्या कुछ डिटेल्स है, कौन से लैक्टेशन में है और कितने दिन की गैप बिन? भाई सभी भाइयों से पहले आज जो रिक्वेस्ट है, हाँ जी, देखो मेरे से कोई भी पशु ले, बार बार कहता हूँ, बार बार अपनी चेक करवा के, या कोई भाई ऑनलाइन मंगवा, अपने हाथ से उतर के, अपनी गाड़ी से उतर के एक दिन डट के चेक करा ले, ठीक है। मैं 4 महीने पीछे 3 महीने पीछे नहीं सुनूंगा ये ब्याई नहीं वो नहीं हुई, इस बात की मैं हाथ जोड़ के बार बार कहता हूँ, ठीक है। हमारे घर है सोना, और सोना का पैसा देख के आते हैं, बिल्कुल ठीक है। वहां जाके वो सोना रहती है, रंग रहती है। देखो सभी भाइयों से अनुरोध है, परेशान नहीं करिया करो, बार बार कहता हूँ अपनी यहाँ चेक करा लो, बिल्कुल कितनी बार करा लो, राइट बात है। देखिए हर वीडियो में भाई साहब ने ये कहा है कि अपनी संतुष्टि करके चेक करके वगैरह गैबिन चेक करके तभी आप पशुधन को परचेज करके ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे जो पशुधन है, क्या कुछ डिटेल से, कौन से लैक्टेशन में भाई साहब? साहिल साहब से पहले मैं बताऊंगा अपने गांव में इसलिए है, ठीक है जी। कोई भी भाई इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है ठीक है। दूसरे टाइम में है आगे तीसरे में काविंग करेगी, हाँ जी ठीक है। और सातवें में गैप बिन लगी हुई, हाँ जी, चेक भी करेंगे इसको, लास्ट वीडियो करी नहीं अभी कर देंगे, ठीक है जी। और 6 किलो दूध देर थी धनी के, अच्छा जी, अपने भी दिया है, कल आई थी, और एक दो टाइम खन्यार तो खाया नहीं, न्यार भी खाने लग गई, दाना गेरो और चुआई करो, ठीक है जी, हाँ जी। तो देखिए जी 7 महीने की चेक पास गैप बिन चेक करके आपको बताएंगे, बिल्कुल देंगे। और हाँ, बाकी बात करेंगे जी गांव में से परचेज की है, बाकी पीठ की अगर हम बात करेंगे, शुरुआत से पीठ से आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा, पीठ काफ़ी लंबी, जो पीठ सिंगल हड्डी का जो पशुधन है वो हमें देखने को मिला। और अभी मॉर्निंग में फिलहाल कवरेज हो रही है मौके पे, जो कि 6 kg जो दूध है अभी फिलहाल मौके पे दे रही है, आगे तीसरे में काविंग करेगी। बात करेंगे लेंथ की, तो लेंथ आप देख सकते हैं जी, हाइट मीडियम से प्लस, बाकी लेंथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली। 7वें फीमेल काफ है, हाँ जी भाई कटिया है ये 7वें जो कि फीमेल काफ है, जैसे कि आप जो देख पा रहे हैं ये देखिए। तो भाई साहब खोल के चला के दिखा दीजिए जो इसकी घर लायक अच्छी भैंस है, भाव भी ठीक है, ठीक है, और नहीं कोई जेर की समस्या, नहीं कोई फूल की समस्या। देखो 2 साल होगी गांव में ही है, ठीक है, बहुत पुराना रवा चल रहा है, मेरे ख्याल से घर की कटिया तैयार होती है, ठीक है जी, ठीक है। 14 किलो दूध 1 किलो घी की फुल गारंटी पे भैंस दे जाएंगे, दूध जने दिया गए 15 दे 16 दे वो भाई का नसीब है, ठीक है जी, इस चीज की गारंटी है, दुआई चुआई की अपनी गारंटी, या बनापा चेक कर देंगे अभी इसको, ठीक है। कोई भी भाई ले, देखो बार बार कहता हूँ अपने घर जाके चेक करा लो या अपने यहाँ पर करा लो, ठीक है जी, हाँ जी। तो देखिए जी जो चीजें हैं वो स्पष्ट वीडियो में क्लियर कर रहे हैं, बाकी 14 किलो जो दूध है वो इसने दूसरे लैक्टेशन में निकाला हुआ है। और बात करेंगे जैसे कि डॉक्टर मोनू ने बताया कि घी में भी काफ़ी अच्छी है, सींग शरीर पे जमता हुआ, और शरीर की जो बनावट है वो काफ़ी अच्छी, पीछे से जो इसकी अड्डर की जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं, ये देखिए जी। बाकी चुवाई की कैसी है डॉक्टर? अरे भाई साहब चुवाई की कैसी है? एक नंबर चुवाई है, ठीक है। लेडीज काट दो चाहे बच्चा काट दो, कोई भी काट दो, ठीक है, कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है जी। तो देखिए जी हाइट और जो लेंथ है जी पशुधन में, लेंथ काफ़ी अच्छी जो हमें देखने को मिली, और जब खुल के चलता है तो उसका व्यक्तित्व का पशुधन का पता लगता है कि क्या कुछ चीज़ है, हाइट लेंथ। और बाकी बात करेंगे बाकड़ी होने के बावजूद जो थनों में जो स्पेस है वो आप इसका जो देख भी पा रहे हैं, और जो टैल है उसमें लगभग 2 इंच के लमसम जो कि टैल वाइट है, बाकी के जो बाल हैं वो हमें देखने को मिले। और साथ में जो कि आपको फीमेल काफ है वो आपको देखने को मिलेगी,
और बाकी बात कर लेंगे रेट की, तो रेट भी साथ साथ में हम जो कि भाई से पूछेंगे। तो रेट क्या कुछ रखा भाई सब? साहिल देखो कोई भी भाई परेशान नहीं करे, ठीक है, जो जोड़ा लेगा तो उसमें मान सम्मान हो जाएगा, एक के लेगा तो कोई मान सम्मान नहीं होगा, ठीक है। इसका फिक्स दाम 68,000 रुपए की देनी है, कटिया समेत बच्चे के समेत 68,000 रुपए की देनी है। कोई भी भाई कटिया को छोड़ देगा 5,000 रुपए कम करके दे दूंगा, ठीक है जी। हाँ ये देखिए जी, अगर फीमेल काफ को अगर आप छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो कि बताया गया है कि 5,000 के इसकी जो पूंजी में से कम हो जाएंगे, बाकी इकट्ठा अगर आप लेना चाहते हैं इकट्ठे में ही आपका जो कि अच्छा रहेगा भाई साहब। भैंस जोड़ती है एज इतना करती है, बहुत ज्यादा एज करती है, बिल्कुल जी, लगाती है नहीं, दाने पे दूध देती है, एज बहुत ज्यादा करती है। और भी हम मान सकते हैं कि एक महीना डेढ़ महीना जो कि और भी कम से कम एक महीना आराम से दूध देगी, आराम से दूध और देगी अगर बच्चा अगर साथ में लेके जाओगे। बाकी 68,000 रुपए इसकी कॉस्ट है वो डॉक्टर मोनू ने रखी है। बात कर लेंगे भाई साहब जो दूसरे नंबर पे जो जोटी है इसकी क्या कुछ डिटेल से? साहिल सबसे पहले इसको दिखा दो, थोड़ी देर से लिस्सी है, बिल्कुल जी बिल्कुल, मीडियम लेंथ की है, धनी के हिसाब से 8वें में लग गई, ठीक है। मैं अपने हिसाब से 7वें कह के दूंगा, 7वें में कह के दूंगा, ठीक है। दो बार चेक हो रही है, आपने चेक करी नहीं है अब, ठीक है जी। हाँ धनी ने करा रखी थी और एक भाई ने और करवा रखी थी, ठीक है जी, ठीक है। रेवाड़ी डेयरी में से भैंस आई है, ठीक है जी, तीसरे टाइम करेगी, ठीक है। 16 किलो दूध ओरिजिनल कार्ड रखा है, 16 किलो दूध ओरिजिनल कार्ड रखा, हाँ जी, ठीक है। बाकी इसको भी एक बार खोल के चला के दिखा दीजिए। बात करेंगे जी बिल्कुल छोटा जो सींग और आगे तीसरे में जो कि काविंग है वो करेगी। बात करेंगे फेस वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, इक्वल बैलेंस के जो सींग, बिल्कुल छोटा जो सींग, शरीर ले ही लिस्सा हो लेकिन पीछे से जो इसकी अडर के जो गुटे हैं, शरीर और खाल चमड़ी दोनों भैंसों की ऐसी दिखा दो, इतनी कागज की है, बिल्कुल मुड़ जाएगी, बिल्कुल बारीक जो चमड़ी और पीछे से जो अडर के जो गुलजटे हैं वो आप देख सकते हैं। 16 केजी जो दूध है वो इसने निकाल रखा है, डेयरी में से परचेज की है, टैल में लगभग आधा इंच के लमसम जो कि टैल वाइट है, बाकी जो टैल है पूरी की पूरी ब्लैक, पतली जो टैल और कद काठी है वो आप इसकी देख सकते हैं जी। मीडियम हाइट लेंथ का जो पशुधन है, बाकी अगले के हिसाब से 8वें में गैबिन लगी हुई है, लेकिन करेंगे जी। बाकी खाने पीने की तो ऐसी है साहिल, दोनों बैच गेर के पीछे हटोगे ना इतने तो साफ है खोर में दाना, ठीक है जी। हाँ जी ये देखिए जी पीछे से जो ऑर्डर के जो गुलजटे हैं वो काफी अच्छी देखने को मिली, तो ठंड वगैरह तो चेक अभी भी हो जाएगी, चप्पा मार के लाए चेक कर ले, कोई भी भाई आए अपना चेक करके ले जाए, ठीक है जी। हाँ तो देखिए जी बिल्कुल बारीक जो चामी फेस वैल्यू है वो मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, बिल्कुल ठंडे स्वभाव का जो पशुधन है साहिल, हरसोदे से भैंस फिट है, सींग से सिंगार से, मैं कहता हूँ थोड़ी लिस्सी जरूर है, घर लायक दोनों भैंस अच्छी है, बनत सनत की भी भाव में भाई सब रेख देख भी कम होती, कम होती तो अपने घर आके सांग हटगी, थोड़ी देर में तैयार होगी नहीं तो कति कमजोर थी, ठीक है जी। तो इसके रेट की बात कर लेते हैं भाई साहब, साहिल इसका रेट फिक्स दाम है, कोई भी भाई परेशान नहीं करे, 65,000 रुपए की देनी है, 65,000 रुपए की देनी है, हाँ देनी, ठीक है। अरे गिलाउज 65,000 रुपए की ये सेल करनी है जी। देखिए मेरे हिसाब से जैसे ही वीडियो गिरेगी तो मेरे हिसाब से पशुधन रुकने वाला नहीं है जी, क्योंकि वाजिब जो रेट और पशुधन काफी अच्छा रेट के हिसाब से, और बाकी ये पशुधन उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो कहीं ना कहीं ताजा भैंसों की कीमत को जुटा नहीं पाते। तो अरे भाई साहिल एक बात और बताएंगे, ये कहते हैं दूध नहीं देती, शाम को महाराज जी का फोन आया था 9 बजे, हाँ जी, जो गांव में से भैंस ली थी ना, साढ़े बाईस दूध पे चल रही है, अच्छा जी, हाँ जी खुद फोन आया था भाई साहब, बहुत 14 किलो दूध से उठी, 14 किलो दूध से उठे थे, देखिए मुझे 24-25 किलो कह के दी थी भैंस, तो महाराज जी कह रहा पता नहीं क्या करेगी, 2.25 लाख रुपए लग गए वहाँ पर, अच्छा जी। आपा ने तो कुछ भी नहीं दी महाराज को, कति भाव में दी थी, अच्छा जी, 2.25 लाख। और जो दूसरी भैंस बेवीडियो आपा ने एक और ली थी, जो गौ जानी थी वो गई नहीं वहाँ पर, वहाँ पर ओलंपिक थी, अच्छा जी, महाराज बोले पैसे ले ले तू और गौ को रख, तू 1 महीने बाद ले जाएंगे। मैं महाराज जी कोई बात नहीं, गौ मुझे अपने मामा की भेज दी फिर दूध पीने के लिए, ठीक है, ठीक है। और वो ली थी मुझे रोजवास परमजीत भाई से, ठीक है जी, वो भी खाली होते हुए 14 किलो दूध से उठती थी, उसमें भी 18-19 किलो दूध है, बहुत अच्छी बात है, वो भी बीस भाई दी, ठीक है, 20-22 किलो दूध की भैंस है, खुली कह के दी थी, शाम को फोन आया था भाई 2 भैंस और देखना, अच्छा जी चलो देखेंगे, ठीक है जी। अभी इसको चेक कर देते हैं, 1 मिनट रुकना आप। तो देखिए जी आपके आगे ही जो कि चेक करके बताएंगे, बाकी आपकी तब भी संतुष्टि नहीं, अपना डॉक्टर लेके कोई भी अपने डॉक्टर को साथ में लेकर के आकर के आप पशुधन को जो कि चेक है वो करवा सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ही जो कि चेक करेंगे और काफी अनुभवी
हम भाई को कहना चाहेंगे क्योंकि काफी छोटी उम्र में जो कि इस फील्ड में रहे हैं, काफी अच्छा जो काम है वो भाई साहब ने किया है। और बाकी बात करेंगे जी, जैसे कि आप जो देख भी पा रहे हैं आपके आगे ही जो कि चेक हो रही है और ठंडा टीका है वो भी डॉक्टर मोनू बाद में लगा देंगे। भाई कोई भी भाई कहीं पर भी चेक करवा लेना भैंस को हिंदुस्तान के कोने में, पक्की गैप भी ना कते एक दिन की झूठ साचो आप जवाब दे रहे फिर की गैप भी ना भाई डॉक्टर भाई पूरी 6.5 की कंप्लीट है, 6.5 की कंप्लीट जो कि साथ में 5 तारीख से लगी है। ठीक है जी, हाँ जी, ये देखिए जी आपके आगे ही जो कि चेक की है और काफी अनुभवी है क्योंकि जैसे ही अंदर हार्ट डालते हैं तो जो डॉक्टर्स हैं वो वीडियो देख रहे हैं वो समझ भी गए होंगे, बाकी देखने वाले भाइयों को तो ये लगेगा कि सीधा हार्ट डाला और वैसे बता दी, बाकी आपकी तब भी कोई भी भाई अपने हिंदुस्तान ग्राउंड लेवल पे आप चेक करवा के ले जा सकते हैं, चेक करा लो कोई समस्या नहीं है 1% भी। ठीक है जी, तो देखिए जी पशुधन फाइव के पास फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध है, कोई भी पशुपालक भाई आके विजिट करके पशुधन को परचेज करके ले जा सकता है। टाइम आपको 3 से 4 बैसे बाखड़ी बैसे आपको साहिल फिर कहता हूं जो आपने वो 66,000 पे दूध की दी थी फिर कहता हूं हां जी वैसे एक दो दिनों पर अपन करे दूध नहीं दे तो फिर आप जवाबदार है। हां हां ठीक है, अपने घर एक दिन करा था कल सुबह आई थी शाम को थोड़ा हाल करी सुबह आराम से दे दिया। ठीक है, अप डाउन जरूर होगा दूध। ठीक है भैंस 7 किलो दूध 6 किलो दूध देगी और कम से कम 1.5 महीना दूध भैंस पाएगी, दाने पे लगती है आराम से देगी। ठीक है जी, तो देखिए जी आप विजिट करके आके पशुधन को देख सकते हैं। तो जी फिर मिलेंगे जी किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास, तब तक सभी भाइयों को नमस्कार।